मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम परिसर में गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित खादी और ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने चाक पर अपनी कलाकारी दिखाते हुए मिट्टी की कटोरी बनाई और स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार गोदना पेंटिंग वाली कोसा साड़ी भी खरीदी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की प्रदर्शनी, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का समापन सहित कई गतिविधियों का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने जिला प्रशासन रायपुर के मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान का शुभारंभ किया और साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले सैन्य प्रदर्शनी में शामिल सैन्य वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी की जयंती है। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और इस अवसर पर महात्मा गांधी जी को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी को मालूम है कि महात्मा गांधी जी सत्य, अहिंसा और करुणा के पुजारी थे। आज ये 2 अक्टूबर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। आज की इस अवसर में उनको भी हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप सबको मालूम है कि लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी हैं। महात्मा गांधी जी को स्वच्छता बहुत प्रिय था, और आप सबको मालूम है कि उनके सपना को पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि जब पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, तो 15 अगस्त 2014 को लाल किला के प्राचीर से स्वच्छ भारत मिशन अभियान की घोषणा किए। उस समय मैं उनके मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री के रूप में था, और उस समय लोग हंसते थे कि ये टॉयलेट बनवाने का काम भी एक प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन आज हम सबको समझ में आता है कि उनका जो स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा थी वो इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसके पहले हमारे देश की माताएं बहनें, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और जिनके पास शौचालय स्वयं का नहीं होता था, उनको कितनी तकलीफ होती थी। क्योंकि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, और विशेषकर जब बरसात के दिनों में सब जगह खेती भर जाता था तो उनके लिए शौच का कोई जगह नहीं होता था। एक तो सूर्यास्त का इंतजार करती थी, या फिर सारा खेत फसलों से भर जाता था, तो गांव का जो इंट्रेंस होता था रोड, अगर शाम को हम लोग चले जाते थे तो दोनों ओर हमारी माताएं बहनें लोटा और बाल्टी लेके बैठे मिलती थी। तो ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात थी। लेकिन आज इस देश में इस माता बहनों के दर्द को अगर किसी ने समझा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। आज कई प्रदेशों में इस शौचालय को इज्जत घर का नाम दिया गया है, और वास्तव में ये शौचालय निर्माण करा के हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वच्छता आज हमारे शोभा में आ गया है। आज हम सब लोग कहीं कचरा फेंकते हुए स्वयं हिचकते हैं, लगता है कि हमको मतलब अपने सड़क, गली, चौबारा सबको साफ रखना है जैसे अपने घर को रखते हैं। तो आज स्वच्छता एक आदत सी बन गई है। तो इस तरह से आज स्वच्छता का महत्व इस देश में किसी ने समझाया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समझाया।